नमस्कार, आप देख रहे फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपको बता दें, आज मुझेड़ी गांव में एक मर्डर हो गया। सुरेश गुर्जर नाम के एक युवक को गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई। यहां पर गोली मारी गई थी और यहां पर SHO साहब भी आए हैं, बल्लभगढ़ सदर थाने की पुलिस भी आई है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, देखिए काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हम आपको वो जगह दिखाने आए हैं जहां पर ये हत्या हुई है। ब्लड नहीं दिखाना है, थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा सा आपको कवर करके दिखाएंगे। ये कवर किया हुआ है, थोड़ा दूर से दिखा, ये कवर किया हुआ है जहां पर ये हत्या हुई थी, वारदात हुई थी, उसको कवर किया हुआ है। बाकी पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। ब्लड नहीं दिखा सकते इसलिए हम थोड़ा दूर से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस आई है मौके का मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए। बल्लभगढ़ सदर थाने की पुलिस आई है। आप लोग जुड़ जाइए, मैं आपको पूरी वारदात बताता हूँ। इससे पहले हमने परिजनों से बातचीत की थी और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी आई है। इधर से हम आपको दिखाएँगे, पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और यहीं पर वारदात हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ब्लड वगैरह बिखरा हुआ है यहाँ पर, इसको फोटो खींच लेना। पुलिस आ चुकी है जगह देखने के लिए जहाँ पर वारदात हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड यहाँ पर बिखरा हुआ है। हम उसको दिखा नहीं सकते, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है, फेसबुक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। गांव मुझेड़ी है, फॉरेंसिक टीम यहां पर आई हुई है। मुझेड़ी गांव है और यहीं पर ये वारदात हुई और थोड़ी ही दूर पर घर है मृतक सुरेश का, जिसको गोली मारी गई थी। थोड़ी ही दूर पर उसका घर है, आप लाइव देख रहे हैं। इसी गली में मर्डर हुआ था, थोड़ी ही दूर था घर से सुरेश जब उसको गोली मार दी गई। यहाँ पर पुलिस आई है वो जगह देखने के लिए और फॉरेंसिक टीम भी आई है, क्राइम ब्रांच भी यहाँ पर आई हुई है। जांच पड़ताल की जा रही है, देख सकते हैं। एक गली में मर्डर हो गया, गोली मार दी गई सुरेश नाम के युवक को। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए BK हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। आप लोग जुड़े रहें, हम आपको मृतक का घर भी दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे घर चलते हैं। हाँ, घर चलेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे परिजनों से। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा घर चलेंगे जहाँ पर ये रहता था सुरेश, यहीं बगल में रहता था। ये देखिए, यहीं बगल में रहता था सुरेश। घर वाले बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जिसके घर का युवक इस तरह से दिन दहाड़े गोली से मार दिया जाए तो उस पर क्या बीतती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुर्जर बिरादरी से था सुरेश और मुझेड़ी गांव में ही इनका घर है। ये घर है इनका, यही घर है। बारिश का वो है, अच्छा अच्छा, उसमें उस रहा था। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं उसका घर भी, देख लेते हैं। जो उसे यहाँ से उठा के ले गए थे, उठा के ले गए, हाँ बुलाया था। अच्छा, बुला के ले गए। हाँ यहाँ अच्छा अच्छा, ये परिवार वाले सभी दुखी हैं, महिलाएं हैं गांव की, यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। हाँ, न्याय तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल।
गरीब आदमी है, आप देख सकते हैं यहीं पर रहता था। कहाँ रहता, कहाँ पर था, यहीं सोता था, इसी कमरे में सोता था। अच्छा अच्छा, हम खुद चले गए। बड़ी मम्मी कहाँ, किसी से कुछ बताया था, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा हो? आप माता जी? वो बड़ी भाभी उनकी। हां जी, बात बड़ी भाभी। अच्छा, या के धोरे रे अभी तो कुछ बताया था सुरेश ने, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? आप बता दीजिए, कुछ बताया था उन्होंने? कुछ भी ना बताया, कहीं लड़ाई झगड़ा, कोई धमकी दे रहा हो, कुछ भी, कुछ नहीं बताया। सुबह के रात में कितने बजे वारदात हुई? रात को 11-12 बजे तक ऐसी हुक्का पी तो रहे अपने दोस्त तो रहे। अच्छा 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 अच्छा, जा। कोई साथ में गया था उसके? कोई ना देखो। अच्छा, कोई ना देखो। आवाज वगैरह आई थी गोली वोली की? कुछ नहीं सुनाई दिया। रात में ले गए मेरे ख्याल से 11-12 बजे। हाँ, सब सो गए होंगे, सर्दी वैसे ही है। सही बात है। कोई फोटो वगैरह है उसकी, सुरेश की कोई फोटो वगैरह है? फोटो भी दिखा देंगे। आओ थोड़ा फोटो दिखाते हैं। यही है सुरेश जिसका मर्डर हुआ है, दिख रहे हैं अंधेरे में, अंधेरे में। दिख रहा है, यही है सुरेश जिसका मर्डर हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यही है सुरेश, फोटो आप लोग साफ साफ देख रहे हैं। बस बंद कर दो, परिवार दुखी है, सब दुखी है, रो रहे हैं। सुरेश के घर पर हम आ चुके हैं, गरीब युवक था, पता नहीं क्या था, रंजिश थी, क्या था, जिसको समझे चाय का काम था, चाय का काम था। आप सोच सकते हैं चाय का काम करता था वो। कहाँ पर दुकान थी भाई? IMT विक्टोरिया कंपनी। अच्छा, वो बड़ी सी कंपनी है जहाँ हमने बताया। अच्छा, वहीं खोखा चलाता था। गरीब युवक जो खोखा चलाता था, चाय बेचता था और चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका मर्डर हो गया, पता नहीं किसने मर्डर किया, क्या रंजिश थी, क्या गुस्सा निकाला है, ये तो पुलिस जांच में पता चलेगा जब हत्यारोपी पकड़े जाएंगे, और तब जाके पता चलेगा किस वजह से उन्होंने हत्या की। फिलहाल तो परिवार दुखी है, परेशान है, सब रो रहे हैं। हाँ अच्छा, खाना भी अधूरा छोड़ दिया मेरे ख्याल से, खाना भी नहीं खाया। खाना भी देखिए अधूरा छोड़ दिया, आधा खाना भी रखा हुआ। उसकी शादी वगैरह हुई थी भाई साहब? इधर आ जाइए थोड़ा सा। शादी वगैरह? शादी नहीं हुई। अच्छा, भाई और भाभी के साथ रहता है। अब देखते हैं इसमें क्या निकल कर सामने आता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, परिवार ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की आपको। यहाँ की रिपोर्ट दिखाई जो मर्डर हुआ है फरीदाबाद में, रेडी गांव में, नाम के युवक का मर्डर। पुलिस अपना काम कर रही है, आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा। हाँ, सख्त कार्रवाई चाहिए बिल्कुल। क्या नाम सर? धीरज भाटी। धीरज भाटी जी हैं, इनका कहना है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात को दबाया ना जाए, जांच करें, हमलावरों को पता लगाए, उनको